वेलकम बैक गाइस। तो आप कभी सोच सकते हैं कि जो जेसन, जिसको सबसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसको सबसे लाइट वेट ऑब्जेक्ट बोला जाता था, उसका भी रिप्लेसमेंट आ सकता है? सो यस, वो आ चुका है। दैट इज अ टून, टोकन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन। तो ये सब रेवोल्यूशन हुआ है हमारे एआई के एरा में, जो एलएलएम्स को फीड किया जाता है। तो मैं रिसेंट में ही आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें टून के बारे में दिया गया, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो अगर आप देखें तो टून इज अ कम्पैक्ट ह्यूमन रीडेबल सीरियलाइजेशन फॉर्मेट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एलएलएम। सो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको फीड करने के लिए इंस्टेड ऑफ जेसन हमने टून निकाला है, नॉट हमने, डेवलपर्स ने। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक जेसन फॉर्मेट है तो टून का फॉर्मेट ऐसे दिखने वाला है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात यह है कि LLMs को हम ये इसलिए फीड कर रहे हैं क्योंकि LLMs को अब इसमें आइडिया लग जाएगा कि उसके पास कितनी कितनी अमाउंट ऑफ रोज आने वाली है, एंड देन आईडी नेम एंड रोल या कितने कॉलम्स आने वाले हैं। सो उसके बाद उसका मेन डेटा, तो इट्स अ काइंड ऑफ मेटा डेटा अगर आप देखो तो। सो यस, टून इज सिमिलर टू YAML, YAML इज अगेन लाइट वेट ऑफ फॉर्मेट है डेटा का। सो यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आई थिंक यू शुड गिव इट अ रीड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज में नोट करने वाली कि जो टून है दैट इज गिविंग 30-60% मोर एफिशिएंसी। तो एक्चुअली दिस विल गोइंग टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ आर एपीआई टोकन जो हम हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता या बहुत ज्यादा टोकन यूटिलाइज करते हैं। तो विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग ऑफ इट। फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स।